अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY ZAP अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY ZAP डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें arwizap.com। अब मेरे पास नहीं कुछ आप लोग क्यों आ जाते हैं रोज रोज एक ही बात दोहराने के लिए? बाबा आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही है? मैं नहीं करना चाहती शादी। कोई बात नहीं खावर, मुझे इनकार किया ना, मेरी भी अब जिद है, बहू बनाकर उसे ही लाऊंगी। और अगर अपने कदमों में ना बैठाया ना तो मेरा नाम भी शबनम नहीं। आप वहाँ दोबारा जाएं और मिनल को मेरी मजबूरी और मेरी कंडीशन के बारे में बताएं। वो बेचैन होकर मुझसे बात कर लेगी। अम्मी प्लीज। ठीक है बेटा, मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी और वादा करती हूँ वहाँ जाकर तुम्हारी मिनल से बात भी करवा दूंगी। अब मेरे पास नहीं कुछ के सिवा। अम्मी क्या बात है अम्मी, आप परेशान लग रही हैं? नहीं कुछ नहीं है। हैदर से बात हुई आपकी? हाँ हैदर से बात हुई है, बहुत परेशान है वो। पर जिस दिन उसकी मिनल से बात हुई ना, उसे सब पता चल जाएगा, फिर तुम दोनों बहन भाइयों का रिश्ता खराब होगा। किरण बहुत पछताओगी तुम। बहन भाई की नाराजगी है थोड़े दिन में खुद ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर फैज से मेरा रिश्ता खत्म हो गया तो मैं तो उम्र भर के लिए बर्बाद हो जाऊंगी। अम्मी अम्मी प्लीज, आप हैदर को तसल्लियां देती रहे, आप देखिएगा वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे मैं तो आपको बताने आई थी कि नूर की कुछ चीजें खत्म हो गई हैं, मैं उसे लेकर बाजार जा रही हूँ, आप भी चलें साथ। नहीं वो तुम चली जाओ, मैं आराम करूंगी। ठीक है आप खाना मत खाएगा, मैं लेती भी आऊंगी। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मेरे ख्याल से ये वाला फोन दे दें और इसमें सिम डाल दें। ठीक है, नंबर बताएं आपका। नंबर बताओ बेटा अपना। वो नंबर इस्तेमाल नहीं करूंगी मैं, हम नई सिम ले लेंगे। अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें इसे पैक कर दें। जी कहिए। वो बेटा आपकी मामा से मिलना था मुझे। मामा घर पे नहीं। तो मिनल को बुलवा दो बेटा, मुझे उससे बात करनी है। मिनल भी घर पे नहीं है, और अगर वो होती तब भी आपसे ना मिलवाता। बेटा मेरा मिनल से मिलना बहुत जरूरी है, मैं जानती हूँ तुम्हें हम पर बहुत गुस्सा है, लेकिन खुदा के लिए पिछली तमाम बातों को भुलाकर बस एक बार मुझे मिनल से मिलवा दो। देखिए आंटी, ना तो मैं आपसे बदतमीजी कर रहा हूँ और ना ही मैं आपकी बेइज्जती करना चाहता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से चले जाइए और दोबारा मत आइएगा। ठीक है नहीं आऊंगी बेटा, मगर मिनल को मेरा एक पैगाम दे दो कि वो हैदर को फोन कर ले, वो मिनल के लिए बहुत परेशान है। मेरी मासूम बहन को धोखा देने के बाद वो शख्स परेशान ही रहेगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा आप जानती हैं आपके धोखेबाज बेटे की वजह से मेरी बहन अपनी जान देने लगी थी। अगर वो शख्स उस वक्त मेरे सामने होता ना तो शायद मैं। नहीं नहीं बेटा। आंटी प्लीज मेरे सबर का इम्तिहान मत लीजिए, वो जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए।
मिनल, ये अच्छा लग रहा है मुझे कलर। हाँ नहीं, चलो दूसरा देख लेते हैं। ये प्यारा है, कलर बहुत अच्छा। ये देखो अच्छा लग रहा है, मुझे दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। लगता है आपके घर में भी कोई फंक्शन है जिसकी तैयारियों के लिए आप दोनों निकले हुए हैं बाहर। हाँ है फंक्शन। तुम्हें तो हैदर ने नहीं बताया होगा, कल रात वो अमेरिका पहुंच गया ना। 2 दिन बाद हम लोग भी जा रहे हैं, उसकी शादी है ना इसी हफ्ते। चले मामा। मुझे नहीं लगता कि अब ये किसी और रिश्ते के लिए भी हाँ करेगी, काफी डिस्टर्ब है। आप जानती हैं आपके धोखेबाज बेटे की वजह से मेरी बहन अपनी जान देने लगी थी। अगर वो शख्स उस वक्त मेरे सामने होता ना तो शायद मैं। प्लीज मेरे सबर का इम्तिहान मत लीजिए, वो जाइए यहां से, जाइए। क्या करूं, क्या बताऊंगी हैदर को। बहन भाई की नाराजगी है, थोड़े दिन में खुद ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर फैज से मेरा रिश्ता खत्म हो गया तो मैं तो उम्र भर के लिए बर्बाद हो जाऊंगी अम्मी। एक तरफ बेटे की खुशियां और दूसरी तरफ बेटी का घर खराब होने का खौफ। क्या करूं अपनी इस अजियत का, कैसे अपने बेटे को तसल्ली दूं, कैसे उसे समझाऊं कि मिनल को भूल जाए। कल रात वो अमेरिका पहुंच गया ना, उसकी शादी है ना इसी हफ्ते। गई रो में है मेरी बेटी। या खुदाया मैं क्या करूं उसके लिए, कहां से सारी दुनिया की खुशियां लाकर इसकी झोली में भर दूं। अब मेरे पास नहीं कुछ, दिल वीरान के सिवा, दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई। बदतमीज लड़की, दिखने में कितनी सीधी और मासूम लगती है, अंदर से उतनी घुन्नी और मीसनी है। मेरे इतने प्यार का, खुलूस का जरा भी लिहाज नहीं किया इसने। शादी नहीं करूंगी, किसी से भी शादी नहीं करूंगी। ड्रामे बाज कही। अम्मी क्या है उसके इस जुमले में गहराई बहुत है। क्या मतलब? शादी नहीं करूंगी ये बात तो समझ आती है, पर किसी से नहीं करूंगी इसमें कोई बात जरूर है। क्या कहना चाह रही, खुलकर बताओ मुझे। शायद वो किसी से या कोई और उससे शादी करना चाहता हो, और ना होने पर वो दिल बर्दाश्ता हो गई हो, इसीलिए उसने ये कहा है कि मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। अंदर की कोई ना कोई बात है जरूर, लेकिन दुआ करो कि तलाल से इसकी शादी हो जाए। एक बार इत्तफाक करें, तलाल इतना हैंडसम है, उसके लिए अच्छी और तमीज़दार लड़कियों की कोई कमी है? बेशक कोई कमी नहीं है, लेकिन इस लड़की ने मुझे अब जिद दिला दी है। बहू तो मैं इसी को बनाऊंगी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैंने आज लेट चाय बनवाई है कि तुम लोगों के साथ ही पीऊंगी। आ जाओ जल्दी से चाय पी लो। सब खैरियत तो है ना? पता नहीं भाभी खुदा को क्या मंजूर है, हैदर की बहन मिली थी बाजार में। क्यों आमना सामना हो गया उस लड़की से? कितनी अजियत में है मेरी बच्ची। जाहिर तो कुछ नहीं किया, लेकिन सारे रास्ते रोती हुई आई है। कुछ तो कहा होगा ना उसने? हैदर की शादी का बताया था। अल्लाह, अच्छा चलो उसको भी बुलाते हैं। जिंदगी अपनी कटी जलते हुए बुझते हुए। इश्क में मुझको मिला क्या हमें जाना। तुम्हें तो हैदर ने नहीं बताया होगा, कल रात वो अमेरिका पहुंच गया ना। दो दिन बाद हम लोग भी जा रहे हैं, उसकी शादी है ना इसी हफ्ते। तुम्हें तो हैदर ने नहीं बताया होगा, कल रात वो अमेरिका पहुंच गया ना। दो दिन बाद हम लोग भी जा रहे हैं, उसकी शादी है ना इसी हफ्ते। शबनम की कॉल आ रही है। हेलो, आप भी सोचेंगी वक्त बे वक्त आपको कॉल करके परेशान कर देती हूँ मैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मिनल की वजह से बहुत परेशानी थी मुझे, उसकी तबीयत पूछने के लिए कॉल की है। अब कैसी है वो? माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मैंने नमाजें पढ़ पढ़ कर इतनी दुआएं की थी ना उसके लिए, और देखे ठीक हो गई वो। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। मैं तो सोच रही थी कि फोन पे इनकार कर दूंगी उन्हें, लेकिन उन्होंने तो बात ही कुछ ऐसी कर दी। आओ बेटा बैठो। वो बाबा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा कहो क्या बात है? जहां से मेरा प्रपोजल आया है मैं वहां शादी करने के लिए तैयार हूं। हाँ बेटा तुम्हारी शादी तो हमें करनी है, लेकिन किसी अच्छी और ऊंची फैमिली में करेंगे। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेटा, वो लोग हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं। जिस स्टैंडर्ड से फर्क नहीं पड़ता मम्मा, आप लोग प्लीज उन्हें हाँ कर दें। मिनल बेटा। बाबा प्लीज, मुझे पता है कि आप जानते हैं वो अच्छे लोग हैं। आप उनसे कहें कि आप इसी हफ्ते मेरा सादगी से निकाह करवा के मुझे रुखसत कर देंगे। क्या बात हो रही थी यहाँ पे, और ये मिनल क्या कह कर रही है? मैं
नहीं भाई, अब मैं वहां जाने का नहीं हूं बिल्कुल। आजकल के अमीर लोग सिर्फ अपनी औलाद के कहने पर चलते हैं। उनकी बेटी इनकार कर चुकी है, अब वहां जाने का और बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। आखिरी बार मेरे कहने पर तो जाना पड़ेगा तुम्हें वहां। अरे भाई तो कहूंगा क्या, अगर उन्होंने दो टोक इनकार कर दिया तो? इनकार कर भी दिया तो अच्छे से सलाम दुआ लेना और वापस आ जाना। जाकर उनसे कहूंगा क्या? कह देना कि इरफान साहब से तुम्हारी बात हो गई है, पार्टनरशिप पर बिजनेस भी शुरू करने वाले हैं। सज्जाद साहब इरफान साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अगर पूछगछ कर ली तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी उनकी नजरों में? तो ठीक है, कह देना किसी और से पार्टनरशिप कर लिए तुमने। और तुम्हें हमेशा के लिए मेरे लिए मांग लेंगे। हैदर ने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, खुद को भूल सकता हूं लेकिन तुम्हें नहीं। तुम्हें तो हैदर ने नहीं बताया होगा, कल रात वो अमेरिका पहुंच गया ना, दो दिन बाद हम लोग भी जा रहे हैं, उसकी शादी है ना इसी हफ्ते। दर्द में डूबी हुई बिखरी हुई जाके सिवा। मिनल, मिनल, रिलैक्स, मैं तुमसे बात करने आया। पता है जब मैं 4 साल का था तो तुम पैदा हुई थी। अम्मी और ताई अम्मी बताती हैं कि मैं बस यही कहता रहता था कि मुझे बहन चाहिए। स्कूल में भी दोस्त इसलिए नहीं बनाए कि तुम्हें ब्रेक में अकेला छोड़ के जाना नहीं चाहता था, तुम्हारे साथ बैठना, बातें करना, तुम्हारा ख्याल रखना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब सब चीजों ने शायद मुझे वक्त से पहले बड़ा और जिम्मेदार बना दिया। आज जब मंजूर अंकल ने बाबा से तुम्हारे लिए अपने बेटे की पसंद का इजहार किया तो मैं समझ गया था कि वो क्या चाहते हैं। अब नौमान मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, मंजूर अंकल के बिजनेस को बढ़ाकर अमेरिका तक सेटल कर चुका है और वहां सेटल भी है। कल रात वो अमेरिका पहुंच गया ना? मैं और सब घर वाले बस यही चाहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता उससे तय कर दिया जाए। मैं वहां शादी नहीं कर सकती। लेकिन मिनल वो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? पल पल मरूं मैं या एक ही बार खत्म कर लूं खुद को? मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। आपने बगैर देखे मुझसे शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? अब मेरे पास नहीं कुछ ठीक है ना आपकी? हाँ ठीक है, वैसे लेटी हुई है। चलें आ जाए, मैंने खाना लगा दिया है। मुझे भूख नहीं है।
किस बात की टेंशन ले रही हैं आप? अरे भाई किसी बात की टेंशन नहीं है, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। चले मैं आपके लिए दूध ले आती हूँ। नहीं मैं खुद ही ले लूंगी, तुम जाओ जाकर खाना खा लो। ठीक है। हेलो हैदर, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आपकी अम्मी कहाँ हैं? मैं उन्हें काफ़ी देर से कॉल कर रहा हूँ, फ़ोन ऑफ जा रहा है उनका। अम्मी की तबीयत थोड़ी सुस्त हो रही थी, हो सकता है सोने से पहले फ़ोन ऑफ कर दिया। क्या करूँ, आप ही से पूछूँ कि अम्मी मिनल के यहाँ गई थी या नहीं? हैदर जी, आप ही अम्मी का ख्याल रखिएगा। जाहिर है मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? अपना और नूर का भी ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ रखूंगी। ओके खुदा हाफिज़। ठीक है। जरूर हैदर ने अम्मी को मिनल के घर जाने का कहा होगा, इसीलिए उन्होंने अपना फोन ऑफ कर दिया है और परेशान भी है। मुझे जल्दी फैज से बात करनी होगी। मुझे तो डर है कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। मामा प्लीज, वो इतनी नासमझ नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं समझा लूंगा उसे। अरे भाई इतनी बड़ी बात कर तो दी उसने, अब और किस बात की गुंजाइश रह जाती है? वो लोग इतने बुरे भी नहीं है, सोचा जा सकता है। क्या नाम बताया था? तलाल जी। बेटा मालूमात तो करवाओ उसकी। लेकिन ताई अम्मी, मैंने कह दिया है ना, बस जो मैं कह रही हूँ वही करो। ठीक है करवाता हूँ। क्या हो गया है मिनहल, क्या तुम्हें मेरी अजियत का भी एहसास नहीं हो रहा? करीब रहकर भी ऐसा नहीं हुआ था कि इतने दिन तुम्हारी आवाज ना सुनी हो। मत तड़पाओ मुझे मिनहल। जाने क्या कहता रहा, बीता हुआ लम्हा कोई। किससे मिलना है? सज्जाद साहब से। वो तो आज ऑफिस आए नहीं। अच्छा चलो फिर मैं कल आ जाऊंगा। अरे अपना तारुफ तो कराते जाते। मिनल ने नाश्ता किया? कमरे में भिजवाया है मैंने। क्या हुआ मिनल ने नाश्ता नहीं किया?
मिनल बीबी कह रही है भूख नहीं है उन्हें। पिछले तकरीबन 2 साल से मेरे साथ ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन इत्तेफाक है कभी अपने बिजनेस के नुकसान के बारे में कभी कुछ जिक्र नहीं किया। हो सकता है अपने खुददारी की वजह से बताना ना चाहता। वैसे आप उसके बारे में क्यों इतनी मालूमात कर रहे हैं? दरअसल मेरे एक दोस्त है, उसकी बहन के लिए उसका प्रपोजल आया था तभी। अच्छा अच्छा वैसे ही। ओके ओके ओके। बहुत अच्छा और मेहनती लड़का है, अभी रिसेंटली ही प्रमोशन भी उसको मिली है, और अगर इसी तरीके से काम करता रहा तो बहुत तरक्की करेगा। ज़ैन साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी इस मुलाकात के बारे में आप तलाल से जिक्र मत कीजिएगा कि मैं आपसे उसके लिए मालूमात ले रहा था। ऑफ कोर्स, डोंट वरी, आप बिल्कुल परेशान नहीं। थैंक यू कि आपने टाइम निकाला, मेरे मधु करने पे आप आ गए। हेफ्टी, और बताइए बिजनेस कैसा चल रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आपने मुझे कॉल किया। क्यों, क्या मैं आपको कॉल नहीं कर सकती? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल कॉल कर सकती हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि मिनल कैसी है। मिनल बिल्कुल ठीक है, हम सब भी ठीक हैं। मैं चाह रही थी कि आप लोग आज शाम हमारी तरफ आ जाएं और हमारे साथ ही खाना खाएं। सच? हैला, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा। मुझे बताइए कोई अच्छी खबर है ना? जी जी, खुशखबरी है, इसीलिए तो बुला रही हूँ आपको। जी जी, हम जरूर आएंगे इंशाल्लाह। चले सही है, फिर मुलाकात होती है। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ, हाँ कर दी क्या? अरे वाह। तानिया, हफ्सा, बेटा जल्दी इधर आओ। अरे लड़कियों, आ भी जाओ। आ रहे आ रहे। क्या हो गया, क्या हो गया अम्मी, इतना खुश क्यों है आप? कारून का खजाना हाथ लग गया? हाँ, ये समझो कि खजाना ही हाथ लग गया है। उन लोगों ने हाँ करने के लिए शाम को हमें अपने घर बुला लिया। अच्छा? हाँ। पर लड़की ने तो पहले इनकार कर दिया था, अब उसने हाँ कर दिया। अम्मी पर वो तो खामोश रहो, जो हो गया है ना उसमें हम सबकी बेहतरी है। से मुबारक हो शबनम, इस कामयाबी का सहरा तुम्हारे सर ही जाता है। जा बेटा दानिया, जल्दी से चाय बना के ला, सेलिब्रेट करते हैं इस खुशी को। जी अब्बू। बैठ जाना। चलो ये तो अच्छा हो गया। जी मैं आपसे जो कह रहा हूँ ना, आप प्लीज वो कर दें। जी, पाकिस्तान की जो पहली फ्लाइट अवेलेबल है उसकी बुकिंग करवा दें मुझे। थैंक यू। अपना फ्यूचर दांव पर मत लगाओ। तुम अगर इस तरह से यहां से चले गए तो तुम्हारी जॉब खत्म हो जाएगी। मुझे इस वक्त ना ही अपनी जॉब की फिक्र है और ना ही अपने फ्यूचर की। हैदर, जज्बाती मत बनो। तुम इतना खर्चा करके यहां पर आए हो
इस तरह सब कुछ छोड़ जाना कहाँ की अकलमंदी है। देखो अब तक मैनेजमेंट तुमसे मुतमईन है, तुम कुछ दिन और काम करोगे तो तुम्हारी हार्ड वर्किंग देखकर उन्हें अंदाजा हो जाएगा और फिर तुम्हें आसानी से वो छुट्टी दे देंगे। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि तुम एक लड़की की खातिर यहाँ पर आए हो, यही ना? हाँ, और अब उसी की खातिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस जाना चाहता हूँ। छोड़ छाड़ कर वापस जाना चाहता हूँ, और वापस जाकर उसी लड़की की फैमिली को क्या जवाब दोगे? जवाब क्या दोगे कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है? हाँ देखो हैदर, जिंदगी ऐसा मौका बार बार नहीं देती, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा तुम एक हफ्ता मस्जिद यहाँ रुक जाओ, तुम्हारे पाकिस्तान वापस जाने की सीट मैं तुम्हें कंफर्म करा के दूंगा, प्रॉमिस। हाँ चलें, फिर डिसाइड हो गया कि मैं अगले हफ्ते अपने तलाल की बारात लेकर आ रही हूँ। वो भी धूमधाम से। भैया आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। बेटा दानिया, सबका मुंह मीठा कराओ। जी अम्मी। बेटा इन्हें दो ना। शादी के लिए मेरी एक छोटी सी शर्त है, वो आप लोगों को माननी पड़ेगी। कैसी शर्त है आपकी? वो ये कि जहेज के नाम पर आप कुछ नहीं देंगे। अल्लाह का दिया अब भी बहुत कुछ है हमारे पास। लेकिन भाभी ये तो ज्यादती हो जाएगी ना? नहीं नहीं, कोई ज्यादती नहीं है, बस शबनम ठीक कह रही है। खबर, मिनल हमारी इकलौती और बहुत लाडली बेटी है। हमारी बेटी की छोटी से छोटी खुशी और उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना हमारे दिल का अरमान है। अच्छा ना छोड़ें ये बातें, ताइमी आप मुझे ये बताएं हम परसों आ जाएं मिनल को वहीं बैठाने? हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, तुम्हारी किसी भी बात और किसी भी ख्वाहिश पर हमें कोई एतराज नहीं है। क्या हो रहा है ये? क्यों नहीं समझ रहे ये लोग कि मैं और मेरे घर वाले उनकी बेटी को वो खुशियां नहीं दे सकते जो उसका हक है? मुझे खुद ही बात करनी होगी मिनल से। बुलाएं तो मेरी लाडली को, कहाँ है मिनल? एक्सक्यूज मी दानिया, तुम्हारी टीचर की कॉल आ रही है, आओ मैं तुम्हारी बात कराता हूँ। हमारे क्यों मुझे बाहर लेके जा रहे हैं? दानिया मेरा मिनल से मिलना बहुत जरूरी है। भाई वो अंदर ही तो आ रही थी। सबके सामने बात नहीं कर सकता ना। अरे आप लोग बैठे, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। मिनल भाभी कहाँ हैं? मैं मिनल बीबी को ही बुलाने जा रही थी, वो वहाँ स्विमिंग पूल की तरफ हैं। अच्छा आप जाए, मैं इनको लेकर आते हैं। मैं लेकर आती हूँ। सुन तो मेरे को, मैं जाके बात भी कर लेता हूँ, ले भी आता हूँ। करमी और किरण आएंगे और तुम्हें हमेशा के लिए मेरे लिए मांग लेंगे। मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही खिलखिलाती हंसी के साथ देखना चाहता हूँ। हैदर ने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, खुद को भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं।
मैं तलाल। अंदर हमारी शादी की बात है। शादी इतनी धूमधाम से नहीं कर सकते, वो दरअसल मसला ये है कि दरअसल बाबा के एक करीबी रिश्तेदार की डेथ हो गई है, तो हम लोग सोच रहे थे कि शादी जरा सादगी से हो जाती तो। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो हम अपनी बेटी की रुखसती घर से कर दें। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ज्यादा धूमधाम करनी भी नहीं चाहिए। हम भी वलीमा किसी बड़े होटल में चंद लोगों को बुला के कर देंगे, क्यों चंदो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अम्मी ये क्या बात हुई, मेहंदी पर तो मजा आता है, थोड़ा हल्ला गुल्ला हो जाता है, अब वो सब तो आप लोग अपने अपने घर कर रहे हैं और वलीमे का फंक्शन भी छोटा सा होगा। बेटा बड़ों की बात के आगे नहीं बोलते, उनकी इज्जत इस वक्त हमारी इज्जत है। ये भाई साहब अफसा की बातों को बुरा मत मानिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे भाई बच्ची का मकसद तो सिर्फ भाई और भाभी की खुशियों को पूरा करना है। इंशाल्लाह तलाल और मिनहल की जिंदगी का हर दिन बिल्कुल ईद जैसा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा वो अफसर दलाल दानिया कहाँ रह गए? आपके सामने तो बाहर गए। जाकर देखो वो मिनहल से कोई उल्टी सीधी बात ना करते। एक्चुअली मुझे भी आर्किटेक्चर का बहुत शौक था, बस अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं अकाउंट्स पढ़ूं। मिनल मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। आपने बगैर देखे मुझसे शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? मुझे अपने घर वालों पर भरोसा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि आपको हमारी फैमिली को जान। अरे आप लोग यहाँ खड़े और अंदर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम जाओ अफसा हमारे। नहीं नहीं, मैं तो अपनी प्यार इसी भाभी को अपने साथ ही अंदर लेके जाऊंगी। आप आते रहे, आ जाए चले आ जाए। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना?